नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडस टावर शेयर को यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस शेयर में काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है। हम इस शेयर के वीकली चार्ट पे हैं और इस शेयर में एक अच्छी खासी करेक्शन आने के बाद जब डाउन ट्रेंड में ये शेयर आई है, तो यहाँ पर इसने एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म किया हुआ है। इसे हम बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं और ये जब भी डाउन ट्रेंड में बनती है तो हमें ये इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। यहाँ से शेयर ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रही है, तो इस शेयर में हम अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग है 194.45 है। इसके ऊपर हमें ओपनिंग मिलने पर हम इसमें अपनी एक लॉन्ग की पोजिशन बनाएंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल स्टिक पैटर्न का जो लो है यानी कि 187.60, ये हमारा बन जाएगा स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। अगर इसको अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट करता है, उसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो आपको इस शेयर से यहाँ से एग्जिट कर लेना है। नेक्स्ट आपको ऊपर की ओर जाके देखना कि अगर ऊपर की ओर आपको कोई सप्लाई जोन मिले या फिर कोई रेसिस्टेंस मिले तो वहाँ से आपको अपना पहला टारगेट रखना है। जब भी प्राइस अपने रेसिस्टेंस या सप्लाई जोन के पास जाए तो वहाँ से आप अपना मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं रुकते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।